तो स्वागत है गाइस आपका एक और पबजी मोबाइल लाइट के एकदम फ्रेश गेम प्ले में। बस ज़्यादा नहीं, ये एक तो महीने पुराना फ्रेश बासी गेम प्ले है। तो गाइस इस वाले गेम प्ले में हम उतर गए चर्च के पीछे ये वाली ट्रॉली पर। क्या है कि गाइस हमको पहाड़ों पे घूमने का बड़ा शौक है, तो हम ई वाली ट्रॉली पर उतरे थे गाइस। और यहाँ से हमको M4 और ये दोनाली वाली साउट गन बाउट गन मिल जाती है। और हम चले जाते हैं गाइस चर्च में बंदों को मारने। क्या है ना गाइस, हमारे ऊपर था खून सवार गाइस, और मैं हूँ लुटेरा। इतनी लूट करता हूँ मैं कि पबजी वालों ने कभी सोची ना होगी गाइस। गाइस यहाँ पर आके हम थोड़ी जल्दी जल्दी लूट वाट करते हैं कि हमको आ जाती है चर्च से गोली चलने की आवाज़। गाइस हमारे होते हुए कौन औरंगबाजी दिखाए, ये थोड़ी ना चलने देंगे हम। और गाइस हम जल्दी से जाते हैं चर्च पर। और यहाँ पर हम चर्च पर आ ही जाते हैं कि हमको आ जाती है और गोली की आवाज़। हमका कौन है भैया जो रंगबाजी दिखा रहे, दिखाओ जरा फेस रिवील करो चाचा, अपना फेस रिवील करो यार। का है भैया, भैया तुम्हारी गोलियों पर ऐसा क्या है लाउटी में तो ये... निकल ई वाले चाचा कह रहे हैं इनके गोलियों का लाइसेंस लाउबी में, तो जाओ भैया तुम भी लाउबी में जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भैया इनको पहले लाउबी में भेज के आते हैं। लो भैया ये लो, इनको भी लाउबी में भेज। तो गाइस हम इन वाले चाचा को भी हरारा अडवाई दिए होते हैं, लाउबी में भेज दिए होते हैं गाइस। और इन चाचा से कहते हैं मैं लाउबी में जाके हमको भैया याद करना है चाचा। और हम इन गाइस इन भैया को लाओ या भेजने का यहाँ आते, तभी हमको एक बहुत चाचा बुला रहे थे। ये लो भैया बहुत चाचा, तुम कहाँ भाग रहे हो? ये लो बहुत चाचा, कहाँ बच के जाओगे? और गाइस अब हमको मच रही थी खून की प्यास, तो हम गाइस जल्दी से आए यहाँ पर और उठाई हमको गाड़ी। तो ये गाइस ये गाड़ी है कि बैलगाड़ी है? इस वाले ड्रॉप पे, और इस वाले ड्रॉप पे गाइस समझ गए ना, हमको मिल गई थी RPG। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस इस वाले ड्रॉप में हमको मिल जाती है RPG, समझ रहे हो ना, कितनी पापी गन है ये। और हम RPG उठा के निकल जाते हैं बिलेट की ओर गाइस, बंदे को मारने। तो गाइस हम जा रहे थे बिलेट की तरफ, कहा कि यहाँ पे एक ड्रॉप आ रहा था। और जैसे हम यहाँ पे गाड़ी चला था, तभी हमको एक बहुत चाचा की पिट पिट गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगती है। ये लो भैया ये रहे बहुत चाचा। हमको M4 चलाते थे, लेकिन हमारी RPG की M1 बहुत चाचा के चक्कर में वेस्ट हो गई। अब हमारे सर पे खून सवार था, हमको इतनी गुस्सा आ रही थी कि हमको लग रहा था कि हम तो उनको यही पटक के चोद देंगे। चल निकल मार दर चोर। काहे बहुत चाचा, हमारी RPG की M1 वेस्ट करवा दी, तुमको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये लो भैया इतनी गोली मारेंगे, इतनी की सोची ना। तेरी गांड में बामन गज का लंग। तो गाइस हमने यहाँ पर बहुत चाचा को बहुत सारी गोली खिला के हरारा पड़वाई दिया था। और बहुत चाचा को मारने के बाद ही यहाँ पर आई ड्रॉप भी गिर गया था, लाल वाला रजनीगंधा वालों का सस्ता है ईयर ड्रॉप। तो हम गाइस ये ईयर ड्रॉप लूट के जा रहे थे सेंट्रल रोड की तरफ, कहा कि वहाँ बंदे थे। और गाइस इस ईयर ड्रॉप में हमको दोबारा RPG मिल जाती है। तो गाइस हम यहाँ से निकलते हैं सेंट्रल रोड की तरफ, काहे कि सेंट्रल रोड पे बहुत बंदे थे। सेंट्रल रोड पे कोई हमारे टीममेट को भी खा गया था गाइस, एक नंबर को कोई पूरा ही खा गया था गाइस। तो हमने उठाई यहाँ से गाड़ी और निकल गए सीधे सेंट्रल रोड के लिए गाइस। वाला घर दिख रहा है, उसमें दो बंदे मिलकर मारते हैं, बहुत चाचा को मार देते हैं। तो गाइस हमने ठान लिया था कि इन दोनों के बिल्कुल
हम जान से मार ही देंगे और इन दोनों को बड़ा ही तड़पा के मारेंगे। तो भाई यहाँ पहले रेंगते रेंगते थोड़े बगल में जाते हैं, कहा है कि हमको जानना जरूरी रहता है कि कौन कहाँ है। ये देखो सोचा आज पीछे छोड़ दे, लेकिन अगर छूट गया तो मजा नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से नेट टॉप करते हैं और ये देखते रहेंगे कपाड़ पे जाके फेंक दे। और ये देखो देख रहे भाई हमारा निशाना कितना बेहतरीन निशान। तभी हम सोचते यही सेम होगा, अरे एक और नेट डालते हैं फिर चले जाते हैं अंदर इनको बिल्कुल हरारत पदवाई के। ये देखो भाई, लेकिन ये हमारे दोनों नेट से बच चले, हमसे कैसे बचेंगे भैया। भाई हम जैसे ऊपर आते हैं यहाँ पे एस ट्वेल्व के वेस्ट ट्वेल्व के चलाने लगते हैं, हम भी आर पी जी लेके खड़े हो जाते हैं। आओ भैया आओ जल्दी आओ। मतलब देख रहे हैं भाई सब पबजी वालों कैसे सस्ते नशे हैं, हमारी आर पी जी से हम खुद ही नॉक होगा भैया। ये लो लगता है यही होता है, हम यहाँ पे अपने घुटने टेके पड़े तो हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी 2000 years later। तो भाई हमारे तीन नंबर वाले टीममेट भैया तो आखिरकार आ ही जाते हैं। और सबसे पहले ये देखिए भाई, वो सीढ़ियों पे बर्फ का पतला बना देते हैं ताकि कोई वहाँ से चढ़ ही ना पाए। वाह टीममेट भैया क्या दिमाग पाया तुमने, वाह भैया वाह। अब हमारे टीममेट भैया जो थे हमको दे रहे थे रिवाइव, और हमने यहाँ से रिवाइव लेके सबसे पहले अपनी हेल्थ बेल्ट चढ़ाई। कहा है कि अगर कोई बंदा आ गया तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ कमरे में धीरे से आके अपनी हेल्थ चढ़ाई और अपने बैग से कचरा वचड़ा फेंका है। तभी बगल वाली बिल्डिंग के जो बंदे थे यहाँ पर आके रंगबाजी दिखाने लगे। अच्छा भैया, और गाइस इनकी पेटी से हमको मिल जाती है एस ट्वेल्व के। तो हमने गाइस सारे के एलियन फोर्स की एस ट्वेल्व के उठा ली। उतने में ही गाइस बगल वाले भैया आ गए, कह भैया लुटेरा भैया हमको भी एस ट्वेल्व के का प्रसाद दे दो भैया। हम कहे अरे कैसी बात, रुको नीचे जरा हम आते हैं। और हम यहाँ से खिड़की से कूद के जल्दी से गए भैया, लो ये तुमको चाहिए था प्रसाद, ये लो धम 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 मिल गया प्रसाद भैया। तुम्हारे बाकी का दूसरा टीममेट कहाँ भैया, उनको भी प्रसाद दे सकते, ये लो धम 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 ये लो भैया स्वाहा। तो गाइस हम इन दोनों चंगू मंगू को बढ़िया प्रसाद दे के हरारा पदवाई किए होते हैं। और तभी जोन है जो वो भी चालू हो जाता है भैया। ये रेड जोन और नीले वाले जोन की जो है ना हमसे बहुत दुश्मनी है। हम जा ही रहे हैं कि बहुत चाचा मिल जाते हैं तो रास्ते में इनको भी प्रसाद खिला देते हैं। इनको प्रसाद खिला के गाइस हम जल्दी से जाते हैं। कहा है कि कपाड़ के ऊपर रेड जोन मंडरा रहा था, अगर इन्हें एक आध जोर से बम फेंक दिया तो हमारा कपाड़ कहीं और वस्त्र कहीं और डले होंगे। तो गाइस ये जो सामने नीले वाले घर दिख रहे हैं यहाँ से हमको टप टप आवाज आ रही थी काफी शंखा थी बंदे होने की, तो हम जल्दी से यहीं चला जाता हूँ। और गाइस हम यहाँ बढ़िया एनर्जी ड्रिंक ब्रिंक सस्ता नशा करके आ रहा होता हूँ। कहा है कि अगर बंदे मिल गए और हेल्प कम हो जाता वो हमको मार देंगे। तो यहाँ बढ़िया पेन किलर का भी सूखा नस्ता सूखा सस्ता सा नशा करके यहाँ पे आते हैं और इस नीले वाले घर में जल्दी से लूटते हैं भैया। तो गाइस हम इस नीले वाले घर में जल्दी से आते हैं, बढ़िया स्पीड में लूटा लाटी करते हैं क्योंकि मैं हूँ लुटेरा और थारा भाई लुटेरा। इतनी लूट करेगा पबजी वालों ने सोची ना होगी गाइस। तो गाइस मैं ये दूसरे वाले नीले घर में नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों नहीं गया। और मैं यहाँ से उठाता हूँ गाड़ी, हम सोच रहे चलो भैया थोड़ा घूम के आए बंदे बंदे ढूंढ गए। और हम कह रहे थे तीन नंबर से बैठे, लेकिन भैया अब तो आई एम सॉरी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हम निकल ही रहे थे भैया। पत्ते में ही जो है कि चार नंबर भैया कोई प्लेयर एलेक्स भैया चार नंबर को खिलाई देते हैं। हम कह रुको भैया हम आ रहे हैं काहे के लिए चिल्ला रहे हैं हेल्प हेल्प, रुको भैया आ रहे हैं काहे के लिए हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हो। गाइस हम हेल्प रिवाइव तो इनको दे ही रहे थे, हमने कहीं पहले गोयठा गोयठा जला दे क्या है कि अगर बंदे के पास भी आरपीजी हुई तो वो एक ही कबाड़ से गिरा के दोनों को मार। ये लो भैया ये इस घर में जा रहे थे गाइस, हम गए इनको बढ़िया धम धम बस एक ही दो गोली गिरा पाए कि कहा है कि स्मोक चल गया था ये भैया चले ही गए इधर से। ये लो भैया लो भैया हम इन भैया को भी बढ़िया हरारा पदवाई दिया था। उसके बाद हम आ गए थे चार नंबर को भैया रिवाइव देने, इनको रिवाइव दे के जल्दी से भैया फिर यहाँ से निकलते हैं। तो भाई चार नंबर को हम दे दिए थे रिवाइव और हम पे थी आरपीजी, तो हम पे सर पे था खून सवार गाइस। और तब तक यहाँ पे ड्रॉप भी गिर चुका था, तो हमने सोची भैया गाड़ी में बैठ के ड्रॉप ड्रॉप तो लूट ही लेंगे,
लेकिन पहले बंदे को ढूंढो गाइस, हमको देख गया था बंदा ये पत्थर के पीछे, ये लो भैया कहां दो, ये लो भैया हमसे रंगबाजी दिखा रहे थे, हमसे रंगबाजी दिखाओगे, हमने सोचा इन भैया को जला के मारे मगर हमारी मौली हो जाती है मिस, आपने इन भैया का नाम देना सख्त लौंडा, और हम लोग क्या हैं भैया नरम लौंडे हैं, नहीं बताओ गाइस, हमने कहा ये लो भैया तुमको तो खाई है, ये लो भैया आपकी भी चेन बच गए, लगता है तुमने कसम खा ली है तो मरोगे नहीं, अब हमने कहा इनके दो नंबर दूसरे साथ से तुम मारो, पर ये लो भैया यही हो जाता है चिकन डिनर, वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें भाई।